हेलो एवरीवन, आज एक बहुत अच्छा स्टॉक जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्टॉक जो है, ये कंपनी जो है, बोनस पे विचार करने जा रही है और बोनस देने वाली है, और जिसके वजह से स्टॉक में कल आपको अच्छी तेज़ी भी देखने को मिला। मैं आपको स्क्रीन पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स इसलिए दिखा रहा हूँ कि काफ़ी क्वालिटी कंपनी है, सभी लोग इस पे बने हुए हैं। और आप देख पा रहे होंगे FIIs 21% की होल्डिंग करते हैं, DII 7% की होल्डिंग करते हैं। DII की होल्डिंग में अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी है, सुंदरम म्यूचुअल फंड है, रिलायंस कैपिटल है, टाटा है, और टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड इसमें लगे हुए हैं। तो काफ़ी तगड़ी कंपनी है। कौन सा स्टॉक है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या इस स्टॉक पे बोनस लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपके साथ में पूरी क्लियर आपको पता चलेगा कि इस पे बोनस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। कंपनी का नाम है नन अदर देन वरुण ब्रेवरेज लिमिटेड। कल इसमें 5% की तेज़ी थी और काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं इनके पास में। आप देख पा रहे होंगे जितने भी हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज करते हैं, इसमें से मैक्सिमम जो ब्रांड्स हैं इन्हीं के हैं। और अभी इस गर्मी के मौसम में इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलता है। सॉफ्ट ड्रिंक, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पैकेज्ड वाटर सोल्ड अंडर ट्रेडमार्क्स ऑन बाय पेप्सिको, ये इनका ट्रेडमार्क है। आपने पेप्सी, सेवन अप, मिरिंडा, ऑरेंज, माउंटेन ड्यू, ट्रेपिकोनो जूस और भी बहुत सारी चीज़ हैं, बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जिनके बारे में आप अच्छी तरीके से जान रहे होंगे। पार्ट ऑफ RJ कॉरपोरेशन, और ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कितना बड़ा नाम है। लार्जेस्ट फ्रेंचाइजीज है पिज़्ज़ा हंट, KFC, क्रीमिल, कोस्टा कॉफ़ी। काफ़ी अच्छी कंपनी है। इस स्टॉक पे अगर आप नहीं लीजिएगा बोनस तो किस पे लीजिएगा। द कंपनी ऑपरेशंस करती है 6 कंट्रीज़ में, 3 इन इंडियन सब कॉन्टिनेंटेड है, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल। और 85% रेवेन्यू जो आती है अफ्रीका, अफ्रीका के बहुत सारे यहाँ पे कंट्रीज़ का नाम नज़र आ रहा होगा, जम्बिया, जिम्बाब्वे, विथ कंट्रीब्यूटिंग 15% रेवेन्यू FY CY 19 पे दिया गया। काफ़ी अच्छी सेल्स हैं, काफ़ी अच्छा। 2 साल लॉकडाउन के वजह से इनकी थोड़ी सी सेल्स पे मार खाई थी, और कुछ भी नहीं है। कंपनी के शेयर्स जो है 60% हैं। कंपनी का थोड़ा सा कर्ज बढ़ा है, डिविडेंड देने वाला है, बट मेरी मानिए कंपनी में एक अच्छी ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है। और अगर आप मेरा अगर सजेशन मानेंगे तो आज भी इस स्टॉक पे मोमेंटम होना चाहिए, बिकॉज़ एक फ्लैग जैसा पैटर्न आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अगर आप हमारे साथ टेक्निकल चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप से जुड़िए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्यों, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। देखिए, ये फ्लैग जैसा आपको पैटर्न नज़र आ रहा होगा यहाँ स्क्रीन पे, इसकी ब्रेकआउट हुई है काफ़ी वॉल्यूम के साथ में। बोनस की खबर है तो मुझे लगता है कि स्टॉक पे और भी मोमेंटम यहाँ से पकड़ेगी। अभी मैं सेल्स पे जाऊँगा, सेल्स को देखते हुए आप अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी का जो सेल्स था 2019 पे वो 1300 करोड़ की थी, और 2021 में ये 2200 करोड़ की सेल्स करती है, जून क्वार्टर में 2400 करोड़ की सेल्स करती है, दिसंबर में 1700 करोड़। तो डेफिनेटली इस समय इनकी सेल्स कम होती है। ये आपको पता होना चाहिए, इनका जो प्रोडक्ट है वो समर सीजन के लिए सबसे बेस्ट है। तो इसके बाद का जो क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, मार्च क्वार्टर के बाद का, वो क्वार्टर काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल आएगा, बिकॉज़ लॉकडाउन खुले हुए हैं, काफ़ी अच्छी सेल्स हो रही हैं। आप भी यूज़ कर रहे होंगे, आप भी समझ रहे होंगे। तो अगले 6 महीने के लिए, अगले 3 महीने के लिए इस स्टॉक को बाई किया जा सकता है, और बोनस के वजह से स्टॉक में मोमेंटम आएगी आएगी। मेरा इसका अगला 3 से 4 महीने का टारगेट ऑलमोस्ट 1250 और 1350 के आसपास में होना चाहिए, 1100 के आसपास में स्टॉक ट्रेड कर रहा। तो डेफिनेटली मैं इस स्टॉक के बोनस पे जाऊंगा। मेरी अगर पहले से होल्डिंग रहती तो मैं इसे जब डेफिनेटली होल्ड करता। अगर मैं अभी चाहूँ तो अभी इसे बाई करके इसके बोनस इशू को ले सकता हूँ, बट अगर आप बोनस इशू के समय भी इसे खरीदेंगे तो भी आपका वही ओवरऑल सीन रहेगा, बिकॉज़ बोनस इशू होने के बाद में प्राइस में रिडक्शन होगा। ये वो कॉपी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ जिसमें बोनस के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, ये कंपनी ने खुद अपडेट किया है। ये कॉपी हमने डाउनलोड कर रखा है, इसे मैं यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे खोलूँगा। और ये देख लीजिए, वरुण ब्रेवरेज लिमिटेड, और ये 28 तारीख को यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप देख पा रहे होंगे 19 अप्रैल को ये बात हुई थी,
और ये देखिए 28 अप्रैल थर्सडे का दिन होगा, 22 2022 को ये देख लिया, डिक्लेरेशन ऑफ द बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स और एडिशंस टू कंसीडर एंड अप्रूव द अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी। दोनों का दोनों रिजल्ट आएंगे, कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन, दोनों का रिजल्ट दिया जाएगा और बोनस पे विचार करेगी कंपनी किस कितना बोनस होगा। तो ये डिक्लेयर ये जो क्लियरेशन है वो 28 के बाद में आपको मिलेगा। जो मैं कह रहा था कि 599 के प्लान के साथ में आप हमारे साथ आ सकते हैं, जिससे आपको ये देख लीजिए चार्ट स्ट्रक्चर में इंट्राडे पे यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। मारुति का चार्ट स्ट्रक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा था कल के ट्रेडिंग सेशन पे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। डब्ल्यू पैटर्न, एक कंसोलिडेशन जोन, एक फ्लैग पैटर्न, आप दोनों में से दोनों इसे मान सकते हैं। एक अच्छी मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन मैं कर रहा हूँ मारुति पे, इसे वॉच कीजिए। अगले मुझे लगता है अगले 10 से 15 दिनों में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 8200 to 8300 तक जाना चाहिए। ये गारंटी नहीं है बट जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये सभी चीज़ें आप पा सकते हैं सिर्फ 599 के प्लान के साथ में। हमारे साथ जुड़िए, आपको दो लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा जहाँ पे एक मैं स्टॉक में अपडेट करता हूँ जिस पे मोमेंटम आ सकती है शॉर्ट टर्म पे, इंट्राडे के लिए नहीं। और ये यहाँ पे मैं चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ जिससे आपको लर्निंग हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पेंड करूँगा। अगर वीडियो पे दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसे अपनी समझ के साथ में जोड़िए और एक बेहतर डिसीजन लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये करना ही होगा, हमारा काम है अब तक अपडेट पहुँचाना, वो मैं पहुँचा रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मेंबरशिप का लिंक मिलेगा, अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।